हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का ट्रू एग्जाम एकेडमी में। मैं पूजा शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बायोलॉजी की बहुत ही स्पेशल क्लास लेके। तो सारे स्टूडेंट फटाफट लाइव आ जाएंगे और लिंक को शेयर कर देंगे, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास थोड़ा लेट हो गई है आप लोग की, पर डोंट वरी, कोई बात नहीं। हाँ, जितने बच्चे लाइव हैं सबको लिंक को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग लेट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। वैसे भी ऑलरेडी 10 मिनट आपकी क्लास लेट हो चुकी है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में जितने भी चीजें थी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किसका, मानव में उत्सर्जन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, मानव में एक्सक्रेशन का प्रोसेस कैसा कैसे होता है, यानी जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग के बॉडी के अंदर होती है वो कैसे बाहर निकलता है, इन सब के बारे में आज हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे लाइव हैं, क्लास में आ चुके हैं, वो सारे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, आप लोग का जो इंतजार वाली घड़ी है वो खत्म हो गई है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और किस में पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो हम लोग आज जो एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ सबने कर दिया है लिंक को शेयर, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लिंक को शेयर कर दिए हो, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, एक्सक्रेशन किसे कहते हैं या एक्सक्रेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जितनी भी चीजें खाते पीते हैं एकदम नॉर्मल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसको, जितनी भी चीजें आप लोग खाते हो, ठीक है, जितनी भी चीजें आप अपने बॉडी के अंदर लेते हो, जितनी भी चीजें आप लोग खाते पीते हो, उसमें से जो चीजें वेस्ट होती हैं, जो चीजें वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, उनको ही शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है या एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को किसके थ्रू शरीर से बाहर निकालते हैं और कौन कौन से ऑर्गन उसमें शामिल होते हैं जो एक्सक्रेशन का प्रोसेस करवाते हैं, और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, वही सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, शरीर से हम लोग लिख सकते हैं इसको, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, एक्सक्रेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन कहलाता है। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिए, ये जो एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है या जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है आपका, इसको कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को, इन सारे अपशिष्ट पदार्थ को कैसे बाहर निकालते हैं, मेटाबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, मेटाबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। मेटाबॉलिक फॉर्म का मतलब होता है क्या, उपपचीय क्रियाएं, या उपपचीय क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको हम लोग किस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं,
तो उसको हम लोग उपपचीय क्रिया के द्वारा या मेटाबॉलिक फॉर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या था, मेटाबॉलिक भी बोल सकते हो या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी बोल सकते हो। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या उपपचीय क्रिया, हिंदी में उपपचीय क्रिया भी हम इसको बोलते हैं, उपपचीय क्रिया। तो देखिए होता क्या है, आप जितनी भी चीजें खाते हो, आप भी जो न्यूट्रिशन लेते हो, जो भी भोजन लेते हो, वो बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी बोले तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसको ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, किस क्रिया के द्वारा, हमारा जो भोजन होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग जो चीजें हम खाते हैं, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में पढ़ा चुके हूँ, पाचन क्रिया के द्वारा, ठीक है, पाचन क्रिया के द्वारा हमारा भोजन ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है या बदलता है। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे बॉडी के अंदर, अपशिष्ट पदार्थ बोले या वेस्ट प्रोडक्ट बोले, वो कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, उसमें एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलेगा, या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा निकलेगा, या फिर किस रूप में बाहर निकलता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वो किस फॉर्म में या किस रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो किस फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, किस रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सारे स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे, सब कोई बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, योगी मोदी को बाद में आप लोग शेयर करिएगा। अगर आप लोग के कांटेक्ट में है योगी मोदी तो आप लोग शेयर कर दीजिए, अच्छी बात है। फालतू के कमेंट थोड़ा कम किया करिए, पढ़ने आते हो पढ़ा किया करिए, ठीक है। चलिए, पाचन क्रिया द्वारा हमारा भोजन ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगर हम बात करें किस रूप में हमारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, किस रूप में हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो शरीर से बाहर निकलता है, तो किस रूप में निकलेगा, नाइट्रोजन के रूप में निकलता है, ठीक है। किसके रूप में निकलेगा, नाइट्रोजन के रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ लिख सकते, मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, उसमें समझा देती हूँ, ठीक है। या आप लोग इतना स्पेस शॉर्ट ले लीजिए तो फिर इसके आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नाइट्रोजन के रूप में निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में निकलता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो किस रूप में शरीर से बाहर निकलता है, तो नाइट्रोजन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें एक्सक्रीशन के टाइप की बात करें, तो देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे फिश हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, ठीक है,
उसमें सब में एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सब में अलग अलग टाइप से क्या होता है, एक्सप्रेशन देखा जाता है, उत्सर्जन देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अगर किसी को पता है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है हमारा उत्सर्जन, तो सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्सर्जन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। बताइए कितने प्रकार का होता है उत्सर्जन। चलिए देखिए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, उत्सर्जन के प्रकार कितने टाइप से होता है उत्सर्जन। तो देखिए हमने बताया चाहे वो बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, फिश हो, सब में जो उत्सर्जन का जो एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होगा, अलग अलग टाइप से होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कितनी चीजें आएंगी, आपकी तीन चीजें आती हैं। पहला आता है यूरिया आता है, ठीक है, यूरिया आएगा। यूरिया के बाद क्या आता है, ठीक है, यूरिया आता है। सेकंड नंबर पे आपका यूरिक एसिड आता है। थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा, अमीनो एसिड। ठीक है, यही तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आएगा, कोई भी जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जितने भी जीवित जीव हैं, वो इस तीन फॉर्म में क्या करती हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालती। कोई यूरिया को निकालेगा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, कोई क्या निकालेगा, यूरिक एसिड निकालता है, कोई क्या निकालता है, अमोनिया निकालता है या अमीनो एसिड निकालता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे यूरिया है, यूरिया को क्या बोलेंगे, या यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, या फिर अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है यूरिया, या फिर हम बात करें अमोनिया के। ठीक है, वन सेकेंड रुकिएगा, स्कैटर सिस्टम। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं टाइप ऑफ द स्कैटर सिस्टम। तो इसके कितने टाइप हो जाएंगे देख लीजिएगा। एक होता है क्या, हमने बताया एक में आता है आपका यूरिया, कुछ जो ऐसे होते हैं जो यूरिया को निकालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड को निकालते हैं, कुछ जो ऐसे होते हैं जो किसको निकालेंगे, अमोनिया को। ठीक है, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालेंगे। ये तीन चीजें ही क्या होती हैं हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। ठीक है, जितने भी जीव होंगे वो क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को ही क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अमोनिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अमेनोलेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, अमोनिया कृत बोलते हैं अमीनोलेटिक को। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करें क्या लिखा हुआ है आपका, यूरिया। ठीक है, या यूरिक एसिड की बात कर लें। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, यूरियोलेटिक। ठीक है, यूरियोलेटिक होता है, हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे, यूरियोलेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, यूरियोलेटिक बोलेंगे। उसके बाद तीसरा जो आता है आपका क्या आता है, तीसरा जो आएगा आपका यूरिकोलेटिक आ जाएगा। ठीक है, यूरिकोलेटिक।
ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। पहला होगा अमीनोलेटिक हो जाएगा, दूसरा यूरियोलेटिक हो जाता है, तीसरा यूरिकोलेटिक होता है। यही तीन फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालेंगे किसके किसके रूप में, अमीनोलेटिक, यूरियोलेटिक और यूरिकोलेटिक, ठीक है। तो देखो जो अमीनोलेटिक है, अमीनोलेटिक में कौन कौन आ जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा क्या, मछली आ जाती है, मछली यानी फिश आ जाएगी, फिश आ जाती है, ठीक है, फिश आ जाती है। सेकंड नंबर पे बात करें हम लोग क्या, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस आ जाएंगे। तो देखिए जहां पे अमीनोलिटिक की बात की जाएगी, अमीनोलिटिक बोले तो अमोनिया, ठीक है, जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं वो किसमें रखे गए हैं, अमीनोलिटिक में रखे गए हैं। वो जंतु जो अमोनिया को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उनको किसमें रखा गया है, अमीनोलिटिक में रखा गया है, जिसमें कौन से जंतु आते हैं, आपका मछली, मछली यानी फिश आ जाता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में कौन सा जंतु आता है, सारे स्टूडेंट रिप्लाई करें, एम्फीबियंस में कौन सा जंतु आता है, कौन सा एनिमल आता है एम्फीबियंस में। तो देखिए हम लोग एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में क्या आता है, आपका मेढक आ जाता है, ठीक है, मेढक आ जाएगा एम्फीबियंस में। तो इनके अंतर्गत इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इनके शरीर से बाहर निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा, अमोनिया के रूप में निकलेगा, ठीक है, किसके रूप में निकलेगा, अमोनिया के रूप में बाहर निकलेगा, किसमें, फिश और एम्फीबियंस में। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करें, सेकंड नंबर पे हम लोग बात करें किसकी, यूरियोलेटिक की। यूरियोलेटिक का मतलब आपका यूरिया, ठीक है, यूरिया। यूरियोलेटिक का मतलब आपका यूरिया हो गया। तो यूरिया में क्या, यूरिया को कौन सी क्रिएट करता है, यूरिया के फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर कौन निकालता है, यूरिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर कौन सा जंतु या कौन सा एनिमल निकालता है। तो देखिए इसमें सेकंड नंबर पे आपका ह्यूमन आ जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है। अगर थर्ड नंबर पे हम बात करें यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को कौन बाहर निकालता है, तो देखिए यूरिक एसिड को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन निकालेगा, आपका इंसेक्ट आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इंसेक्ट एंड बर्ड, बर्ड्स आ जाएंगी एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। ये तीन चीजें किसमें आएंगी, यूरोलेटिक में आएंगे, ठीक है। यूरियोलेटिक में आपका ह्यूमन, ह्यूमन आएगा और यूरोलेटिक में आपका इंसेक्ट, बर्ड और रेप्टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यूरिक एसिड के रूप में कौन निकालता है अपशिष्ट पदार्थ को, इंसेक्ट निकालेगा, बर्ड निकालेगा, रेप्टाइल्स निकालेगा, ठीक है। और यूरोलेटिक के फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ को कौन बाहर निकालता है, या यूरिया के फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ को कौन बाहर निकालता है, ह्यूमन निकालता है, ठीक है। और ये तीनों फॉर्म जो भी आप लिखे हो, ये तीनों फॉर्म बोले, चाहे ये तीनों चीजें आप बोले, ठीक है, ये तीनों चीजें आप चाहे बोलिए, चाहे ये तीनों चीजें बोलिए, ये तीनों चीजें, चाहे आपका यूरिया हो, चाहे आपका यूरिक एसिड हो, चाहे आपका अमोनिया है, ये तीनों चीजें शरीर से बाहर किस फॉर्म में निकलेंगे, तो नाइट्रोजन के रूप में ही निकलेंगे, ठीक है। आप एकदम इन तीनों को एक करके क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये तीनों नहीं दिए रहेगा उसमें, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में या फिर ऑप्शन में, तो आपको अमोनोलेटिक लिखा हुआ मिलेगा या यूरियोलेटिक लिखा हुआ मिलेगा या यूरिकोलेटिक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आज छह चीजें हैं, छह चीज को आपको एकदम माइंड में रखना है, चाहे आप, आपको ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ लो अच्छे से, और इन चीजों, इन तीनों चीजों को कौन से जंतु सिक्रेट करते हैं, ये भी चीज आप लोग देख लो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगी। हाँ, यूरिया केवल ह्यूमन सिक्रेट करता है, ठीक है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यूरोलेटिक केवल ह्यूमन सिक्रेट करता है, तो हाँ, यूरोलेटिक यानी यूरिया सिर्फ कौन निकालता है, ह्यूमन निकालता है, बाकी आपका यूरोलेटिक,
यूरिकोलेटिक को कौन निकालेगा? यूरोलेटिक अलग है, यूरिकोलेटिक अलग है, ठीक है। यूरिकोलेटिक को जो निकालेगा वो इंसेक्ट, बर्ड और रेप्टाइल्स, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करें, चीजें समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट बार कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है, आगे क्लास को कंटिन्यू करूं? चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम, द एक्सक्रेटरी सिस्टम सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करें। देखो जैसे सर्कुलेशन वाला प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन का भी प्रोसेस बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग टाइप से होता है। रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस, जैसे मछलियों में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है कैसे होता है, गिल्स के अकॉर्डिंग होता है, ह्यूमन में अलग होता है, लंग्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसी तरह से जो एक्सक्रेशन का भी प्रोसेस होता है वैसे ही हर एनिमल्स में अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे कि द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे होता है एक्सक्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है किसका, एक्सक्रेशन का, उत्सर्जन का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है एक्सक्रेशन का, सारे स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे। अगर आप लोग को पता है कि उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है मनुष्यों में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कौन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है एक्सक्रेशन का ह्यूमन में, मानव में, सारे स्टूडेंट बताएंगे। चलिए ठीक है, कौन सा होगा आपका, किडनी हो जाता है, ठीक है। किडनी, किडनी सबसे मेन भाग होता है, सबसे मेन पार्ट होता है किसका, एक्सक्रेशन का, किसमें, ह्यूमन में। और ये एक्सक्रेशन, ठीक है, ये क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन को निकालेंगे, नाइट्रोजन बोले तो एक्सक्रेशन के थ्रू ये क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या फिर आप लिख सकते हो यूरिया को ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं एक्सक्रेशन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से भाग एक्सक्रेशन में शामिल होते हैं इंसानों के अंदर, मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या मेन फोर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेन फोर पार्ट्स होंगे जो एक्सक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये डायग्राम आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, हमें पता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास में कोई और डायग्राम लगा के मैं आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगी इसको, ठीक है। तो देखिए ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो एक्सक्रेशन में जो मेन पार्ट होते हैं, जो मेन भाग आते हैं एक्सक्रेशन में, किसमें, ह्यूमन में, वो कौन कौन से होते हैं मैं लिख देती हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, किडनी आता है, ठीक है, सबसे पहले किडनी होता है, ये मेन पार्ट होता है सबसे। किडनी नहीं होगा तो एक्सक्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, किडनी, किडनी यानी ब्रिक आता है, किडनी को हिंदी में ब्रिक बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है, यूरेटर आता है, ठीक है, यूरेटर आता है। यूरेटर को क्या बोलते हैं, मूत्र नली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मूत्र नली। उसके बाद क्या आता है आपका, आता है यूरेनरी ब्लडर, ठीक है, यूरेनरी यूरेनरी, ठीक है, यूरेनरी ब्लडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर को बोलते हैं क्या, मूत्राशय या मूत्र थैली भी बोला जाता है। उसके बाद फोर नंबर पे आपका क्या आता है, फोर नंबर पे आपका आ जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आता है, ठीक है। यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोला जाता है, मूत्र मार्ग।
ये ह्यूमन का एक्सक्रेशन, ह्यूमन के एक्सक्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन की बात की जा रही है यहाँ पे। एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए मेन फोर पार्ट्स होते हैं, मेन चार भाग होते हैं, कौन कौन सी। एक होती है किडनी, किडनी को वृक्क बोला जाता है। दूसरा यूरेटर, यूरेटर को मूत्र नली बोलते हैं। तीसरा जो होता है यूरेनरी ब्लडर होता है, जिसे हम लोग मूत्राशय या बोलते हैं, या मूत्र की थैली बोलते हैं, जहां पे पूरा यूरिन जाके क्या होता है, कलेक्ट होता है। चौथा जो होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग बोला जाता है। मतलब जहां से होके हमारा जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, बाहर निकलता है। देखिए नाइट्रोजन क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है यूरिया या नाइट्रोजन के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब आप जितनी बार टॉयलेट जाते हो, जितनी बार आप टॉयलेट जाते हो, उतनी बार आपके बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग क्या पीते हैं, दो बोतल वोडका, सॉन्ग सुने होगे ना, दो बोतल वोडका। ठीक है, तो जो लोग क्या पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको पेशाब ज्यादा जो लगती है वो बार बार जाते हैं, और उतना ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ उनके शरीर से बाहर निकलता है। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करें किसकी, अगर किसी को पथरी रहती है, किसी की किडनी में स्टोन रहता है, ठीक है, किसी की किडनी में अगर स्टोन होता है, पथरी होता है, तो जो डॉक्टर होते हैं उनको सलाह देते हैं किस चीज की, बियर पीने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, मतलब डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। आज मैंने बता दिया कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और ये जो ऑर्गन होता है आपकी किडनी, मूत्र नली या मूत्राशय, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, और जो भाग होते हैं किसके, और जो भाग आते हैं वो होते हैं किडनी के भी कई पार्ट्स होते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं, मतलब स्केलेटल सिस्टम का हम लोग ओवरव्यू देख चुके हैं क्या क्या चीजें होती हैं, बाकी की जो इसके अंदर की और चीजें हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, एमसीक्यू, जो भी चीजें आप पढ़े हो उसका हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसका आप लोग को टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ गया है, और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वन सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, निम्न में से मानव शरीर का वो कौन सा अंग है, निम्न में से मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऐसा कौन सा अंग होता है हमारे बॉडी के अंदर, ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो हमारे अंदर के वाटर यानी जल के संतुलन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है हृदय, हृदय यानी हार्ट होगा हमारा, या यकृत, यकृत का मतलब लीवर, गुर्दे यानी किडनी या फेफड़े। तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सही आंसर आपको देना है यहाँ पे, सही आंसर कौन सा होगा। तो काफी एक स्टूडेंट बता रहा है कि मतलब हार्ट होता है, तो हार्ट कहाँ से होगा भाई, हार्ट का काम तो जल का संतुलन बनाने का है ही नहीं, ये सर्कुलेशन का प्रोसेस करता है हमारे बॉडी को, मतलब इसका काम तो ब्लड पंपिंग का होता है। ठीक है, तो देखिये यकृत, यकृत लीवर का काम भी दूसरा है, ये क्या बाइल जूसे को सिक्रेट करता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा भी चुके हूँ आप लोगों को। फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कलेक्शन करेंगे, वही कार्बन डाइऑक्सीजन से रिलेटेड है आपका लंग्स। उसके बाद आपका जो बचता है क्या, गुर्दा, गुर्दा यानी किडनी, किडनी जो होता है वो आपके संतुलन को बना के रखता है, जल के संतुलन को आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, बना के रखेगा। तो आपका यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं सी नंबर का ऑप्शन, उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, भ्रूण की अपरापोषी किसमें सहायक होती है। भ्रूण मतलब आप लोग को पता होगा, भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहा जाता है। ठीक है, भ्रूण को एम्ब्रायो कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रायो होता है इसका अपरापोषी किसमें सहायक होती है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है उत्सर्जन में, या श्वसन में, संरक्षण में, पाचन में। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर एम्ब्रायो है वो किसमें होगा, यूट्रस के अंदर होगा, तो उसमें क्या होगी,
उसमें उसको वो न्यूट्रिशन भी लेता है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी लेता है, उसमें शोषण भी होता है, संरक्षण भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, ठीक है। पर यहाँ पूछा है कि अपरापोषक एक चीज होती है, उसके अंदर कौन सी चीज होती है, अपरापोषक होती है वो किस में सहायक होती है, किस चीज में सहायक होती है, आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो काफी स्टूडेंट बता रहे हैं ए नंबर का आंसर, जो भी स्टूडेंट ए नंबर का आंसर बता रहे हैं, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उत्सर्जन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है अस्तनधारी, अस्तनधारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स का मतलब जिसके अंदर दुग्ध ग्रंथि प्रेजेंट होती है, दुग्ध ग्रंथ जिसके अंदर पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है अस्तनधारी। हम लोग ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए अस्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं वो यूरिया को कहाँ पे बनाते हैं, उनका जो यूरिन होता है, उनका जो यूरिया होता है वो कहाँ पे बनता है, ये आप लोग का टेस्ट चल रहा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आज करेक्ट ऑप्शन बता पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यकृत लीवर में बनाते हैं, या फिर गुर्दे यानी वृक्क में बनाएंगे, किडनी में बनाते हैं, या फिर प्लीहा, प्लीहा यानी तिल्ली जिसे हम लोग स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है, या फिर मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब वही यूरेनरी ब्लडर, यूरेनरी ब्लडर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग को फोर ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछा है जितने भी मैमल्स होते हैं वो यूरिया को कहाँ बनाते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सबका बी आंसर आ रहा है। देखिए ये बी नहीं होगा, देखो जो आपका यूरिया होता है, अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी कौन, ह्यूमन आ जाएंगे, ह्यूमन की मतलब जितने भी ह्यूमन होते हैं सब में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सब में दुग्ध ग्रंथ पाई जाती है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगी, उसमें प्रेजेंट होगा मूत्राशय थैली यानी यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट होता है, जिसमें उसका यूरिन जाके क्या होता है, कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी में कभी नहीं कलेक्ट होगा आपका यूरिन, देखो किडनी का जो फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, उसको कलेक्ट करने का काम किसका होता है, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लडर का, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे डी नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृक्क, वृक्क यानी कि किडनी, किडनी के निस्यंदन, निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, ठीक है, वृक्क की किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, निस्यंदन इकाई बतानी है किडनी की, एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पित्त फाइबर, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट में रिप्लाई करिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए बनाती है निकालती है अलग होता है, क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन कलेक्ट कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पे होगा, बनाना, फिल्टर करना, उसको बाहर निकाल देना, बाहर तो उसको यूरेथ्रा निकालता है, जो मूत्र मार्ग होता है उससे निकलता है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था आपका कि कलेक्ट कहाँ पे, कहीं इकट्ठा होगा तभी ना बाहर निकलेगा, इकट्ठा होने के बाद निकलेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत फिल्टर कोई चीज मतलब बनी और तुरंत बाहर निकल गई, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है वृक्क यानी किडनी के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, एक्सॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा, पित्त फाइबर होगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है, यहाँ पे थर्ड नंबर का आंसर आप लोग को बताना है, यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर का, थर्ड नंबर का आंसर बताइए यहाँ कौन सा करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, नेफ्रॉन, जो भी बच्चे बी नंबर बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन, किससे रिलेटेड होता है, आपकी किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। बाकी एक्सॉन आपके नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, यानी कि जो हमारा न्यूरॉन होता है और जो
एक्सॉन होता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो उसमें मैं नेफ्रॉन और एक्सॉन क्या होता है वो चीज आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद पित्त फाइबर, ये अलग ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए फोर नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। जो हमारे किडनी में अगर कोई डिजीज हो रही है, तुम्हारे किडनी में ऐसा कौन सा प्रदूषण हो जाता है जिसकी वजह से हमारे किडनी में डिजीज हो जाता है, कैडमियम या लोहा, कोबाल्ट, कार्बन। क्वेश्चन पूछा है मानो यानी ह्यूमन किडनी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन किडनी की बात की जा रही है, किडनी का रोग किसके प्रदूषण से होता है, कैडमियम के प्रदूषण से होता है, लोहा के या कोबाल्ट के या फिर कार्बन के। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए नंबर। आधे लोग ए बता रहे हैं, आधे लोग डी बता रहे हैं। कैसे कर रहे हो आज आप लोग, मतलब एक दिन क्लास नहीं चले तो पूरा भूल जाते हो क्या? एक ही दिन क्लास नहीं हुई है ना, बाकी तो बायोलॉजी की कंटिन्यू क्लास रहती है। चलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका, अगर हम लोग करेक्ट आंसर बात करें तो ए नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम के प्रदूषण के कारण गुर्दे का रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए फाइव नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, ठीक है। फाइव नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। यूरिक एसिड पूछा हुआ है, यूरिक एसिड या क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूरिक एसिड या लिखा रहेगा यूरिकोटेलिक। अभी मैं पढ़ाई हूँ, यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक का उत्सर्जन कौन सा प्राणी करता है, कौन सा एनिमल करता है, आप लोग बताएंगे। अमीबा, तितली, गौरैया, ऊंट, बताइए सबको। अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर करवाई हूं मैं। फाइव नंबर का आंसर देना है यहाँ पे, कौन सा आंसर होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा नहीं होगा, तितलियां भी नहीं होगी, गौरैया यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस कौन क्या होती है, बर्ड, मैंने बताया बर्ड, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। इसने इतने जो एनिमल्स होते हैं इसमें आने वाले एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में यूरिन कहाँ एकत्रित होता है, ठीक है, कहाँ पे एकत्रित होगा यूरिन। फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। यहाँ किडनी का जो वर्ग का यूनिट है, कार्यात्मक यूनिट जो है वो क्या है, एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, धमनी, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। किडनी का कार्यात्मक यूनिट यानी इकाई पूछा है। हाँ ऐसे ही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने बैठते हो और जीएस वाला पेपर जब आंखों के सामने आता है तो वहां बहुत कंफ्यूजन होता है, इतनी सारी चीजें रहती है उसमें। उसे मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सारी चीजें सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो वहां बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को एकदम इजी मान के मत पढ़िए कि हाँ ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। सारे सब्जेक्ट को एकदम सीरियस होकर आप लोग को पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, अगर सच में आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते हो तो सही, ठीक है, आप लोग डेली क्लास में आइए, टाइम पास करके जाइए, कोई बात नहीं है। पर अगर आप सीरियस होकर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट को आप लोग इजी लेके मत चलिए, यहाँ तक आपका कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे हर सब्जेक्ट का मतलब होता है।
इजी वही होता है जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आता है। तो एकदम सीरियसली पढ़ाई करिए। जो भी बच्चे लेखपाल का फॉर्म भरे हैं उनका एग्जाम भी 19 जून को है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अभी से लग जाइए आप लोग। 19 जून आने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, एग्जॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या धमनी, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है बी नंबर का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछा हुआ है, कह रहा है हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले लूप आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा है हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। तो देखिए आपका दिया है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से या तंत्रिका तंत्र से। हेनले लूप पढ़े हो ना, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन माइंड से बहुत जल्दी स्लिप करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछा है हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, किससे संबंधित है, सारे स्टूडेंट बताएंगे। अगर आप लोग को पता है तो बताइए हेनले का लूप किससे संबंधित है। सेवन नंबर का क्वेश्चन बताना है। हाँ, तो काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है ए नंबर आ रहा है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हेनले लूप रिलेटेड है किससे, किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, किडनी से हेनले का लूप रिलेटेड है और उत्सर्जन तंत्र भी किडनी से ही रिलेटेड है। किडनी पे हम लोग एक अलग क्लास बना के पढ़ेंगे, किडनी पे एक वीडियो अलग से आप लोग को दी जाएगी, उसमें उसके सारे ऑर्गन, उसके क्या क्या चीजें होती हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, हेनले लूप का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी कल की क्लास में। तो कल की क्लास किसी को मिस नहीं करना, सबको आना है कल की क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का क्या पूछा हुआ है, मानव शरीर में पूछा हुआ है यूरिया। ठीक है, यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। यहाँ लिखा भी है यूरिया। ठीक है, यूरिया बोले तो वही अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हो गया आपका, यूरियोटेलिक, यूरिया कहीं कहीं लिखा मिलेगा ठीक एग्जाम में, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा, यूरियोटेलिक लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यही दो चीजें लिखी हुई मिलेंगी। तो देखिए यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, रक्त में, हृदय में, यूरिन में या पसीने में, किस में पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी। तो काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है, काफी स्टूडेंट जो है वो सी नंबर का आंसर बता रहे हैं। आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मूत्र में सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, हमारे यूरिन में जो यूरिन होता है आपका, उसमें जो पीला रंग होता है, जो हल्का पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम, किसके कारण होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो काफी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर का करेक्ट है आंसर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो आप लोग, करेक्ट है। सच में से कहीं लसिका या पित्त तो नहीं हो जाएगा इसमें, कौन सा आंसर सही होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो हमारा यूरिन होता है उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है, कह रहा है जीवित जीवों द्वारा 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ डालो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर अपने आप बता ले जाओगे। क्वेश्चन एक बार रिपीटेड कर लो, पढ़ लो एक बार, ठीक है, उसके बाद
आप लोग आंसर अपने आप बता ले जाओगे। क्वेश्चन पूछा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जीवित जीव होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ का वेस्ट प्रोडक्ट है, पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या उपरोक्त सभी, कौन सा आंसर सही होगा। हाँ तो काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है डी नंबर का आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोग का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं इन तीनों फॉर्म में निकालते हैं, बट जो एनिमल्स अदर अदर्स एनिमल्स इन अदर अदर चीज को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देंगे, कुछ इंसेक्ट निकालेंगे, कुछ बर्ड, कुछ एम्फीबियंस, कुछ फिश एंड कुछ ह्यूमन। अब कौन क्या निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, यहाँ डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन मतलब कि सबसे लंबे समय का समाधान क्या है। अगर किडनी किसी की फेल हो जाती है तो सबसे अच्छा मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए सबसे अच्छा समाधान क्या होगा, ठीक है, किसी की किडनी फेल हुई है, जितने बच्चे लाइव हैं भगवान न करे किसी की किडनी उडनी फेल हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है, डायलिसिस, किडनी प्रत्यारोपण या किडनी जिसे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, दोनों ए और बी या सिर्फ बी, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, सारे स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ तुक्का वाला काम मत करिएगा, तुक्का मत मारना, किसी को नहीं मारना है, करेक्ट आंसर बताना है। अंजलि आर्या बी, और कोई बताए भाई कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, ए सी ए, नहीं मैम सी, कंफ्यूज हो काफी, करेक्ट आंसर बताइए, कितने कंफ्यूज हो आप लोग। हाँ जो भी स्टूडेंट बी नंबर का बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो सबसे अच्छा समाधान लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है कि उसका ट्रांसप्लांट करवा दें, किडनी का क्या करवा दें, प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट करवा लें, ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर लें किडनी को, यही सबसे अच्छा समाधान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा निम्नलिखित में से किस स्तनधारी यानी किस मैमल के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है, तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्या होता है, सिक्रेट होता है, निकलता है, ठीक है, कौन सा ऐसा जो सांस के द्वारा या पसीना के द्वारा या यूरिन के थ्रू या फिर मल के थ्रू किसके थ्रू निकलता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन शरीर से बाहर। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर कौन सा होगा, सब कोई बताइए फटाफट रिप्लाई करिए। चलिए ठीक है, प्रीतम सी नंबर बता रहे हैं, चलिए ठीक है, हाँ तो जो भी बच्चे सी नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे यूरिन जो होगा उसके थ्रू नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बाहर निकलता है, ठीक है, आप जितनी बार टॉयलेट जाते हो उतना अपशिष्ट पदार्थ उतना नाइट्रोजन आपके शरीर से बाहर निकलता है, इसीलिए बोला जाता है पानी खूब पियो, पानी जब ज्यादा पियोगे ज्यादा टॉयलेट जाओगे और उतना ही जहरीली चीजें उतनी ही वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में कलेक्ट हुई रहती है वो क्या होंगी बाहर निकलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितनी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है ना सबको, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म ही है, ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग को पढ़ना है, आप लोगों के लिए HW मैंने बता दिया है, आप लोग को पढ़ के आना है। कल की क्लास में बताना है कि जब किसी को पथरी होती है किडनी में तो डॉक्टर उसको सलाह देता है बियर पीने के लिए, और वो ऐसा क्यों बोलता है, ठीक है। इस टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे, प्लस आपको बताएंगे हम कल किडनी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, स्कैटर सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ये मैंने बता दिया, मेन 4 ऑर्गन होते हैं, और किडनी के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इसी टॉपिक पे कल हम लोग बात करेंगे। तो कल की क्लास जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, किसी को मिस करके क्लास नहीं जाना है, कंटिन्यू क्लास में कल बने रहना है, ठीक है, नहीं तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ट्रू एग्जाम अकेडमी पे। तो जो भी क्लासेस यहाँ पे चल रही है उसकी PDF आप लोग को वहां पे प्रोवाइड है, ठीक है, वहां पे अवेलेबल है, वहां से आप लोग ले सकते हो। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा, लिंक को अभी भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचने लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।